अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि ये वीडियो का सेकंड पार्ट है और हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। पहले पार्ट में यह था कि हम हॉस्पिटल जा रहे थे, अब ये है कि हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। अब हम जा रहे हैं अब्बू के पास। अब हम जा रहे हैं उस जगह जहां ब्लड यानी खून देते हैं, डोनेट करते हैं। तो उन्होंने हमें टाइम दिया 11 बजे का, तो वापसी में वहाँ के वेट किया हमने 11 बजे तक, क्योंकि हम 10:30 बजे तक वहाँ पहुँच गए थे और पहले से अंदर बंदे मौजूद थे। अब वो फारिग होंगे तो फिर हमारा नंबर लगेगा। तो 11 बज गए और फिर हम वापस चल पड़े उसी जगह पर जहाँ हमारा खून निकाला जाएगा। ठीक है जी, तो खून के बदले खून, और ये देना ज़रूरी होता है। चलो अब हम वेट कर रहे हैं कि जो दो बंदे जैसे बाहर आएंगे हम अंदर चले जाएंगे। ये देखें, बाहर लिखा भी है ब्लड डोनेशन रूम, ये बाहर लिखा भी आप देख रहे हैं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, बस आने वाला है नंबर। 5-10 मिनट हमने वेट किया वहाँ पे। अब ये देखें, यहाँ मैं लेटा हूँ और ये देखें, ये खून निकला जा रहा है नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम खून देने के बाद अपने घर को चल दिए। तो दोस्तों, यही था वीडियो कि हमारे अब्बू को ऑपरेशन था हार्ट का, तो उससे पहले ज़रूरत थी खून की 4 बोतलों की। तो 2 पहले से हो चुकी थी रेडी, 2 बाकी थी, तो वो भी पूरी हो गई। हम दोनों भाइयों ने अपना खून डोनेट किया। तो अब हम वापस घर जा रहे हैं। और ये दोस्तों वीडियो ज़रा पुरानी है, क्योंकि ये कोई सेकंड पार्ट है। ये अब्बू का ऑपरेशन हुए हुए 3 महीने भी हो चुके हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि अब सब बेहतर है, सब ठीक है। तो बस यही था मेरा वीडियो, कुछ ज़्यादा नहीं था। ये लाल कोठी आ गई है सामने, ये देखो, ये शारा फैसल रोड है सारा, ये लाल कोठी है, पीछे सब इससे पहले नर्सरी था। तो बस दोस्तों, यही मेरा वीडियो था। बस हम घर जा रहे हैं, और ये डिग रोड है, ये डिग रोड का जो पुल है ये वो है, और वो सामने वो दिख रहा है ना आपको, एयरपोर्ट है वो। तो बस दोस्तों, मेरा वीडियो यहीं तक है। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Thank you.